आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला तंदूरी रोटी, जो कि पनीर या छोले की सब्ज़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गेहूं का आटा लिया है और इसमें हमने 3 से 4 चम्मच के करीब दही डाला है। आधा चम्मच करीब हमने इसमें नमक डाला है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका अच्छा सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लेंगे। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून करीब ऑयल डाला है और इसको ऑयल डालने के बाद ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ग्रीस करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। मसाला प्रिपेयर करने के लिए हमने प्याज को बारीक काट लिया, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया डाला है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमने इस तरीके से इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम रोटी बेलेंगे। इस तरीके से लोई को हमें प्याज पर रखकर दबा देना है, जिससे कि प्याज इस पर चिपक जाए। अब हम इसे बेलन की मदद से हल्के हाथ से दबा के थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब हमने पानी लिया है, पानी को रोटी की एक साइड लगा देंगे और इसको तवे पे डाल देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम दूसरी तरफ से भी इसे मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे ही पकाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। इसे हम अब चिमटे की मदद से निकाल देंगे। देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।